बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की, और वोडाफोन आइडिया सरकार के स्टेक लेने के बाद तो और ज़्यादा से ज़्यादा ही गिरता हुआ नज़र आ रहा है। अब 7 रुपये से नीचे भी वोडाफोन आइडिया आपको मिलने के लिए तैयार हो रहा है। हमारी उम्मीद क्या है कि सरकार ने इसको एक जीवन दान दिया है, ये फंड के लिए भी बात कर रहा है, जिस तरीके से KKR और सिंगापुर स्थित कंपनियों से भी ये बात कर रहा है, तो यहाँ पर हमें उजाले दिख रहे हैं। लेकिन मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था, मैंने कहा कि 60 दिन तक का तो वेट करना पड़ेगा। अब मार्च के बाद 60 दिन का वेट तो आपको करना पड़ेगा, उसके बाद तो रंगीनता इसके अंदर आएगी। इसको अगर कुछ नहीं अच्छा करना होता तो जिस तरीके से नोकिया के प्रमुख हैं संजय मलिक, वो अभी भी कह रहे हैं कि 5G को रोल आउट करने के लिए वो वोडाफोन आइडिया के साथ जुड़ाव में है, उनके साथ संपर्क में है, और प्रारंभिक जो शुरुआती चरणों की बात होती है वो वोडाफोन आइडिया के साथ कर रहे हैं। ये कितना बड़ा संकेत है, ये कौन समझेगा कि 5G जो रोल आउट करने की वोडाफोन आइडिया की क्षमता है, उसके अंदर जो हाथ उसने नोकिया के साथ मिलाया, तो उसके प्रमुख नोकिया इंडिया के प्रमुख बोल रहे हैं, संजय मलिक बोल रहे हैं कि उनके साथ वो प्रारंभिक बात के साथ जुड़ाव में है। तो यहाँ से क्या दिशा दिख रही है कि 5G जो आएगा उसके लिए वर्क जो है वोडाफोन आइडिया कर रहा है, और ये उन्होंने ही बताया जो नोकिया इनकी सहायता करेगा 5G लाने के लिए। तो ये बेस्ट न्यूज़ निकल कर आ रही है, लेकिन जिस तरीके से शेयर नीचे गिर जाता है तो वहाँ पर हमारा हृदय टूट रहा है। सर वेट इसके अंदर करना पड़ेगा, काफ़ी इसके अंदर कर्जा है, और समय समय पर इसने जो उछाल दिए हैं वहाँ पर लोगों ने प्रॉफिट बुक किए हैं, इसने भी काफ़ी अच्छे उछाल दिए हैं, उसके अंदर हमें प्रॉफिट बुक करने की मंशा बनानी पड़ेगी। ऐसे पैनी स्टॉक से हमें मंशा जो है प्रॉफिट कमाने की जरूर से ज़रूर बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर एक सरकार के बाद, फिर फंड की बातों के बाद, एक 5G की न्यूज़ जो निकल कर आ रही है, ये मैंने आपको बता दी, ये दिशा दिखा रही है कि आने वाले दिनों में 5G रोल आउट करने में ये नोकिया की मदद लेने के लिए उसके साथ संपर्क में है। तो ये बेस्ट न्यूज़ निकल कर आ रही है। बात करेंगे यस बैंक की, और यस बैंक की बात इसलिए भी करेंगे, कल बताया था कि यस बैंक के शेयरों में तलवार लटक रही है, लेकिन जो आज तेज़ी थोड़ी सी दिखाई ना, लोग भूल गए होंगे कि ETF जो अपनी इसके अंदर से होल्डिंग, और व्यक्तिगत निवेशक इसके अंदर से अपनी होल्डिंग, और बैंक और SBI भी अपनी होल्डिंग की जो न्यूज़ निकल निकल कर आ रही है। लेकिन ये तेज़ी क्यों आ गई जब ये निकलने वाले हैं, तो मैंने आपको बताया था कि 13 मार्च के बाद ये काम होना है, उससे पहले थोड़ी बहुत तेज़ी तो दिखा ही सकता है या नहीं भी दिखा सकता, लेकिन इसके ऊपर तलवार लटकी है। जब एक हेडिंग में ये निकल कर आ जाए ना कि इस बैंक के ऊपर या इस शेयर के ऊपर तलवार लटकी हुई है, तो ये बड़े बड़े जो एनालाइज करते हैं, बड़े बड़े जो एक न्यूज़ वाले होते हैं, ये बड़े सोच समझकर बोलते हैं, ऐसे नहीं लिखता कोई कि ऐसे लिख दे तलवार लटक गई जी और हम बेच कर निकल जाएं। इनकी रिसर्च होती है सर, ये जितनी भी न्यूज़ निकल कर आती है अच्छे अच्छे चैनलों की, रिसर्च है इनकी। ये आप सोच रहे हो कि ऐसी तलवार लिख दी, नहीं, ये रिसर्च है। तो कहीं ना कहीं यहाँ गिरावट के सिलसिले तो बनेंगे ही इसके अंदर, यस बैंक में। और अगर आपने ये समझा कि गिरावट से अगर आप अपने को सही करेंगे तो वहाँ पर आप हर शेयरों से पैसा कमाएंगे। देखो सर एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, इसने ना आधार हाउसिंग के साथ एक हाथ मिला लिया। किस लिए हाथ मिला लिया यस बैंक ने, कि ये ना सह ऋण वितरण करेंगे, उनको करेंगे जो सैलरी वाले हैं, वेतन भोगी हैं, उनके लिए ये निर्माण हो गया, प्लाट हो गया, और मकान होम लोन के लिए ये साथ मिलकर ये एक ऋण बांटने की वर्क कर रहे हैं। देखो सर वो कंपनी जिसके अंदर से इतने सारे निवेशक निकलने की प्रक्रिया में लग चुके हैं, बात समझना मेरे में क्या बोलने वाला हूँ, और वो आधार हाउसिंग के साथ एक ऐसा समझौता कर रहा है जिसके साथ तहत वो दोनों मिलकर ऋण बांटेंगे। तो जो बैंक इनके निकलने से हमें लग रहा है बर्बाद हो जाएगा, वो फिर ऋण क्यों बांटेगा, वो इतना पैसा वेतन भोगियों को लोन क्यों देगा कि भाई मकान बना लो, प्लाट खरीद लो, निर्माण कर लो। वो बैंक क्या सोच रहा है कि उसने आधार हाउसिंग के, समझ रहे सर, आधार हाउसिंग के साथ हाथ मिला लिया कि ऋण बांटेंगे वो, ये इस तरीके की एक पार्टनरशिप इन्होंने कर ली है, ये आज की न्यूज है। ये क्या दिखा रही है कि ये जो भी इसके अंदर से निकलेंगे भाई निकलने दो, लेकिन यस बैंक है अपने काम के प्रति ईमानदार है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो जब इस तरीके का काम ये आगे की दिशा में दिखा रहा है, भाई ये तो निकलेंगे ही, लेकिन आगे की दिशा दिखा दी इसने हमें कि ये लोन के लिए आधार हाउसिंग के साथ एक काम कर रहा है, तो ये कितनी पॉजिटिव न्यूज है। न्यूज को समझो और समझो कि अगर इसको बर्बाद होना है यस बैंक को, तो फिर ये लोन क्यों बांट रहा है मिलकर, इस तरह की पार्टनरशिप क्यों की है। तो जो इसके अंदर से निकलेंगे सर, वो 3-4-5 महीने के आपको नेगेटिव संकेत दिख सकते हैं, लेकिन उसके बाद उजाले इस बैंक में होने हैं, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा।